हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गोल गोल सूजी के फूले हुए अप्पे। इन्हें बनाना बहुत आसान है और इसमें हम बहुत सारी सब्जियां ऐड करेंगे, तो इसलिए हेल्दी भी है। यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ले ली है, आप मोटी पतली कोई सी भी सूजी ले लीजिएगा, और साथ ही ले ली है आधा दही। मेजरमेंट होता है एक कप सूजी और आधा कप दही। दही गाढ़ा हो, ज़्यादा पतली ना हो, थोड़ा सा उसे मिक्स कर लेते हैं और साथ ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्सचर तैयार करेंगे। और बैटर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, इसको हमें पतला नहीं करना, क्योंकि हम सब्जियां ऐड करेंगे तो सब्जियां भी अपना पानी रिलीज करती हैं नमक के साथ मिलकर। तो थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाइएगा। विस्कर की सहायता से चलाते हुए हम इसको एक दो मिनट के लिए फैट लेंगे और इसको ढककर हम 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे और अगर हमें ज़रूरत हुई तो पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करा है। और यहाँ पर एक गाजर, दो शिमला मिर्च, कुछ दाने कॉर्न के और एक टमाटर, जिसके साथ मैंने दो ग्रीन चिली डाली है, और एक मीडियम साइज प्याज, सबको चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर मिला देते हैं अपनी सारी सब्जियाँ। तो रेसिपी बहुत हेल्दी है और आप इसको अपनी मनपसंद सब्जियाँ डालकर बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। देखिए, सब्जियों में से थोड़ा सा जूस रिलीज होता है, तो इससे भी हमारा बैटर थोड़ा पतला होगा, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि गाढ़ा बैटर बनाइएगा। और जब नमक ऐड करेंगे तब भी पानी रिलीज होता है सब्जियों में से। अगर आप पहले ही बैटर को थोड़ा पतला कर देंगे तो अप्पे बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी और वो फूले फूले नहीं बनेंगे और वो पिचक जाएंगे। सब सब्जियों को हम ऐड कर लेते हैं, मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। सब्जियों के बिना भी आप अप्पे का मिक्सचर तैयार कर सकते हैं, या आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। विस्कर या फिर चमचा, किसी भी चीज़ से आप सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमारा गाढ़ा मिक्सचर बनकर तैयार है, हमें इसको पतला नहीं करना होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें डालते हैं तड़का। तड़के से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। एक पैन को गैस पर रखते हैं और मीडियम टू स्लो आंच करते हैं। साथ ही डालते हैं 2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाने पर गैस बंद कर देते हैं और तेल में डालते हैं 1 चम्मच राई और साथ ही डालेंगे 7 से 8 करी पत्ता। करी पत्ता मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ था, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश करी पत्ता मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब इस तड़के को डाल देते हैं हम अपने मिक्सचर में। इसको मिक्सचर में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हम अप्पो को बनाने के लिए मसाला बाद में डालेंगे मिक्सचर के अंदर, उससे पहले हम अपने अप्पे पैन को तैयार कर लेते हैं। अप्पे पैन को गैस रखेंगे मीडियम आंच पर, जैसे कि वो हीट हो जाए। अब मिक्सचर में मिला लेते हैं मसाले। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। चाट मसाले में नमक होता है, इसलिए थोड़ा नमक ध्यान से डालिएगा। और साथ ही डाली है 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, बच्चे खा रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही 1 चम्मच जीरा पाउडर, 4 से 5 कूट कर डाली है काली मिर्च, थोड़ा सा नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 1/2 चम्मच मैं खाने वाला सोडा डालूंगी, जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। इससे ही हमारे अप्पे फूले फूले बनेंगे, इसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप एक इनो का पाउच डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम 30 से 40 सेकेंड जब हम इस मिक्सचर को आपस में मिलाते हैं तो हमारी सब्जियां सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं, और मिक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फूला फूला सा लगता है, बहुत लाइट वेट लगता है। चलिए, हमारा अप्पा पैन गर्म हो चुका है। अब उसके अंदर डाल लेते हैं हम थोड़ा सा घी या फिर तेल, चम्मच की सहायता से डाल लीजिएगा। वैसे इस अप्पे पैन में अप्पे चिपकते नहीं हैं, लेकिन ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं। साथ ही डाल लेते हैं यहाँ कुछ राई के दाने, डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़े से खटास आती है राई के दानों से, तो अप्पे टेस्ट में अच्छे लगते हैं। राई के दाने डाल लिए हैं, अब मिक्सचर डाल देते हैं। मिक्सचर कम ना डालें, मिक्सचर ज़्यादा डालें, लेकिन इतना ज़्यादा ना डालें कि आपस की पकते समय अप्पे आपस में मिल जाएं। हमारे अप्पे नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइट बैटर है, अगर पतला होता है तभी यह प्रॉब्लम आती है। अप्पे पैन के सभी सांचों को मिक्सचर से फिल कर लेते हैं और ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। आंच को ज़्यादा तेज ना करें, नहीं तो अप्पे नीचे से जल जाएंगे, इस बात का खास ध्यान रखें। आप स्लो टू मीडियम आंच रखें।
चार से पाँच मिनट के अंदर ही हमने ढक्कन हटाया है और आप देखिए कि हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं, इसीलिए वह सूजी के बैटर में मिक्स हो गई हैं। थोड़ा सा तेल इनके ऊपर डाल देते हैं या घी, जिससे कि हम इनको पलटें। आप बिना घी या तेल के इनको बना सकते हैं, यह नहीं चिपकेंगे। आप इन्हें पलट दीजिए सभी को और दूसरी साइड से भी दो से तीन मिनट सेकेंगे, चार से पाँच मिनट नहीं सेकेंगे। यह जल्दी सिक जाएंगे दूसरी साइड से, तो इसको भी ढककर हम तीन से चार मिनट के लिए सेक लेंगे। चार से पाँच मिनट हो चुकी हैं, हमारे अप्पे सिककर तैयार हैं। देख लेते हैं पलटकर सभी अप्पों को कि उनका कैसा कलर आया है। देखिए देखिए, अप्पे देखने में क्रंची लग रहे हैं लेकिन अंदर से यह बहुत सॉफ्ट हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये अप्पे, आप इन्हें ज़रूर से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके अप्पे कैसे बने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अप्पों को हम निकाल लेते हैं, सभी अप्पे बनकर तैयार हैं और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे क्योंकि हमारा बैटर बचा हुआ है। बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं अप्पे। आप इन्हें हरी चटनी, लाल चटनी, टमाटो सॉस, जो बच्चों को पसंद हो या आपको पसंद हो उस तरीके से खाइए। मैं एक अप्पा तोड़कर दिखा देती हूँ। देखिए अप्पा कितना सॉफ्ट बना है, ऊपर से क्रंची है। और कॉर्न के दाने तो इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप अप्पे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।